महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर सूबे की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अजीत पवार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए भेष बदलकर दिल्ली जाते हैं। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले, उन्होंने भी इसे लेकर तंज कसा है। वो पूछ रही है कि महाराष्ट्र में ऐसी सियासत कभी देखी ही नहीं गई, इससे नई पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा। अब अजीत पवार को लेकर किए गए दावों पर दोनों ही ओर से जुबानी जंग लगातार जारी है। अजीत पवार की पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष झूठा प्रचार प्रसार करके अपना एजेंडा सेट कर रहा है। क्या दिल्ली में भेष बदल कर घूमते हैं अजीत पवार? क्या अमित शाह से भेष बदल कर मिलने आते हैं अजीत पवार? क्या अजीत पवार को भेष बदलने की जरूरत पड़ गई है? ये वो सवाल है जो महाराष्ट्र की राजनीति में छाए हुए हैं। दरअसल उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद चंद्र की सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है कि अजित पवार दिल्ली में अमित शाह से भेष बदल कर मिलने आते हैं। या देशाचे गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री यांनी जो खेळ चालवलेला आहे त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी तो अत्यंत घातक आहे। यातून देशामध्ये घातपात दहशतवाद याला चालना मिळू शकते। 10 वेळा अमित शहांना अजित पवार भेटत होते, म्हणजे एकीकडे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते आणि दुसऱ्या बाजूला अमित शहाजी नेगोशिएट करत होते। अजित पवार पर ऐसे आरोप लगे तो उनकी पार्टी की तरफ से भी पलटवार आया। बोला गया कि विपक्ष झूठा प्रचार प्रसार कर रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए अगर मास्क पहन के गए हैं तो मास्क से भी पहचाने जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एयरपोर्ट में पासपोर्ट चेंज करके गए, ऐसा सुप्रिया सुले ने कहा। ऐसा हो सकता है कभी? इम्पॉसिबल जो बात है, तो ये जो है ना हास्यास्पद है, ये आरोप हास्यास्पद है। उनका कहने का मतलब है कि हम कॉन्फिडेंशियली मिलते थे, ठीक है। तो वेशांतर का मतलब अलग होता है, दाढ़ी लगाई या पूरा चेंज ही कर लिया जैसे फिल्म स्टार में फिल्मों में करते हैं, उस तरह का तो कोई बात नहीं है। कैप पहन लिया और मास्क पहन लिया, मतलब क्या वो वेशांतर करके गए? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं कि ये कोरी बयानबाजी है, इनमें किसी तरह का कोई सच नहीं। नहीं, हर दिन में हमारे जो 3 नेता है उसमें शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है और अजीत दादा है, उनके ऊपर हर दिन में एक बार टीका करना अभी उनका धंधा बन गया है, इसलिए आज के दिन की अजीत दादा के ऊपर की वो टीका है। एनसीपी के विधायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि संजय राउत के तार दाऊद से जुड़े हो सकते हैं। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के राजनीति में अजीत दादा पवार ऐसा नाम है जिस नाम पे टीका टिप्पणी अगर होती है तो ही उनका पॉलिटिक्स आगे जा सकता है। जिन 2 सांसदों ने ये टीका टिप्पणी की उसमें से एक है खासदार सुप्रियाताई सुले और दूसरे है खासदार संजय राउत। अब संजय राउत जी को एक रोज की आदत पड़ी है, जैसे सवेरे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या जिम के लिए जाते हैं, उस टाइप संजय राउत मीडिया के आगे आकर कुछ ना कुछ ऐसा बयान कर देते हैं, बेतुका बयान, जिसकी वजह से वो दिन भर सुर्खियों में रहे। और कल उन्होंने, आज सवेरे उन्होंने ऐसा बयान किया कि भेष बदल कर अजीत दादा जा रहे, इसका मतलब है दाऊद का भी आना जाना वैसा रहा होगा। अब ये जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो संजय राउत ने इसकी क्राइम रिपोर्टिंग भी की हुई है और जिस वक्त उन्होंने मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग की तो उनके ताल्लुकात दाऊद से जरूर जुड़े होंगे और दाऊद के साथ रहने से अब दाऊद की याद उनको सता रही है, इसीलिए उनका नाम भी महाराष्ट्र के लोगों ने 100 दाऊद और 1 राउत ऐसा हैशटैग भी लोग चलाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि क्राइम रिपोर्टिंग करते करते दाऊद से भी उनके हो सकता है ताल्लुकात बड़े हो। अब महाराष्ट्र की राजनीति में भेष बदलने वाले आरोप तैर रहे, देखना होगा कि इन आरोपों पर अजित पवार क्या जवाब देते हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ धनंजय साबले, अकोला आज तक।